लोकसभा चुनाव 2019 की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल होना शुरू हो गई है। हर पार्टी एक नए गठजोड़ एक नए समीकरण के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जुगत लगाने के लिए भेज रही है। ऐसा ही आजकल हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों तथा जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि वह जनता के बीच जाकर एक रात गुजारे और सरकार की योजना कहाँ तक पहुँची या पहुँची भी है या नहीं इसकी जानकारी जुटाएं। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पाते ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत आगरा के सांसद तथा SC ST आयोग के अध्यक्ष रामाशंकर कठारिया अपने संसदीय क्षेत्र एतमादपुर के गांव आहरण में अपने कई भाजपा नेताओं के साथ शनिवार को पहुंच गए, क्योंकि गांव के सांसद को रात्रि प्रवास भी था। सभी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गांव में दौड़ लगा दी। देर शाम तक सांसद कटारिया ने उप जिलाधिकारी एतमादपुर, तहसीलदार एतमादपुर, पुलिस के क्षेत्र अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लेकर गाँव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में चौपाल शुरू कर दी, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ कई लाभार्थियों को सौभाग्यवती विद्युत कनेक्शन योजना के अंतर्गत मुफ्त कनेक्शन तथा राशन कार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही ग्रामीण की शिकायत के आधार पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये लाइट हट जाओ, ये वाले मंत्री जी के संबंध में आज यहाँ पे सभा का आयोजन किया गया और सभी लोकसभा के सांसद जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं आम आदमी तक पहुँचें, उसका लाभ मिले और इसके लिए ज़मीनी हकीकत क्या है, वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस योजना में व्यवहारिक कठिनाई क्या आ रही है, इस दृष्टि से हम लोग गाँव में रात को रुक रहे हैं, गाँव के लोगों की बातें सुन रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठ करके उनके साथ गाँव की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए योजना बना रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से लोगों को कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोग आज भी वंचित हैं उनको लाभ मिले इसकी योजना बनाना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर वितरण की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जो मुफ्त में बिजली का कनेक्शन है उसकी योजना हो, चाहे वो जो राशन कार्ड वितरण की व्यवस्था है उसकी व्यवस्था हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बीमा की योजना हो, चाहे वो किसान बीमा की योजना हो, बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा का हो, उन योजनाओं में कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने को लोगों को लाभ अभी भी ज़रूरत है, तो वो लाभ मिले इसके लिए बैठ करके रात में यहाँ रुक करके सारे गांव के लोगों के साथ अभी मिला हूँ। रात में भी 8 बजे गाँव के सब प्रमुख 8-9 बजे उनके साथ बैठ के मीटिंग करूँगा। कल सुबह पूरा गांव 7 बजे से लेकर 8 बजे स्वच्छता अभियान के लिए सब पूरा गांव सफाई का अभियान चलाएगा और उसके बाद 9 बजे फिर गांव के लोगों के साथ बैठ करके गांव की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे और उसके बाद ये विश्राम रात्रि का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। मंत्री जी, इसके अलावा गांव में विकास से संबंधित, रोडों से संबंधित काफ़ी समस्या पहले से भी बनी हुई है, आज तक कोई विकास नहीं है और ग्राम बहुत पिछड़े हुए हैं, इनके सिलसिले में आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बन रही हैं, मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत सड़क बन रही हैं, जो गड्ढा युक्त सड़कें उनको गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की योजना हो रही है, जिला पंचायत के स्तर पर, सांसद निधि के स्तर पर, ब्लॉक प्रमुख जी के स्तर पर ये सारी सड़कों को हमने पूरे एतमादपुर विधानसभा में 150 सड़कों को चिन्हित किया है और 150 सड़कों को बरसात से पहले बनाने का काम पूरा करेंगे। मंत्री जी, दलितों के साथ सरकार है, इसके लिए आज क्या करने वाले हैं, इसका भरोसा लगाया जाए कि दलितों के साथ सरकार दे रही है? देखिए, चाहे दलित हों, चाहे गरीब हों, चाहे पिछड़े हों, जिन लोगों को सिलेंडर नहीं है घरों में उन्हें सिलेंडर दे रहे हैं,
जिनके कच्चे मकान हैं मकान नहीं उनको मकान दे रहे हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं उनके राशन कार्ड बना रहे, जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमा नहीं उनका बीमा करवा रहे हैं। कई तरह की किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उन योजनाओं से सबको लाभ मिले इसके लिए आज हम लोग सब बैठे। सुनने में आया है कि आज आप दलितों के यहाँ भोजन करने वाले हैं। नहीं यार, हम तो खुद ही दलित हैं, दलितों के भोजन क्या करेंगे। सब गाँव के भोजन को इकट्ठा किया है, सबको इकट्ठा करके उसमें दलितों के भी आ रहे हैं, पंडित जी के भी आ रहे हैं, ठाकुर साहब के भी आ रहे हैं, सारे भोजन मिला के अधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ आज रात में भोजन करेंगे, यहीं पर सोएंगे, सुबह स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। पंडित जी, यहाँ पानी की काफ़ी समस्या बनी हुई है, टंकी खराब है, टंकी के लिए पाइप की व्यवस्था करवाएंगे और इस टंकी को एक महीना के अंदर इसको चालू कराएंगे। सर टंकी लगवा देते हैं लेकिन लाइट नहीं आती है तो नल की बहुत व्यवस्था। ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो गलत। किस संबंध में लेकर आज यहाँ किस गांव में क्या बैठक हुई और क्या कार्यक्रम रहेंगे सुबह तक? स्वच्छ भारत पर्व के अंतर्गत आज यहाँ रात्रि प्रवास माननीय सांसद जी सांसद रामशंकर कटरिया जी के द्वारा रात्रि प्रवास व यहाँ पे गरीबों को राशन कार्ड के वितरण सौभाग्य योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के निःशुल्क वितरण कार्यक्रम हुआ और अभी रात्रि प्रवास रहेगा। सुबह 7 से 8 स्वच्छता मिशन के अंतर्गत आहरण गांव में सभी कार्यकर्ता और माननीय सांसद जी के साथ सभी गांववासी मिलकर के स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, सभी लोग सफाई अभियान भागीदारी लेंगे। जैसा कि यहां आप लोग देखे अपार जनसमूह आहरण से लगी हुई मजरा जो भी है उन सभी के लोग यहां पर उपस्थित हैं। तो वो क्या जरूरत आन पड़ी कि मंत्री जी को आज पूरी रात उस गांव में रुकना पड़ेगा? क्या विकास की कमी रही इस क्षेत्र में? 10 साल से सांसद हैं क्षेत्र से, फिर भी नहीं। विकास का तो आप लोग देख ही रहे हो, विकास हम जो है सांसद जी अगले महीने से प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग अपनी एतमापुर विधानसभा देहात में 100 से अधिक सड़क बना रहे हैं, केवल ग्राम परिक्रमा मार्ग और जो कच्चे मार्ग हैं वो भी आपको पक्के मार्ग करने का कार्य माननीय सांसद जी के द्वारा किया जा रहा है। इस 2018 में ही ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े बड़े मार्ग भी हैं जो 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर के भी हैं, जो कच्चे मार्ग हैं वो पक्के मार्ग करने का प्रस्ताव शासन को जा चुका है और जल्द ही शासन स्वीकृति होने पर वो कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और छोटी छोटी 300-300 मीटर की सड़कें, लगभग 120 सड़कें हम अगले महीने से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, किया गया आज जो प्रधानमंत्री जी द्वारा रात्रि प्रवास का आयोजन गांव आहरण में रखा गया है, यहाँ माननीय सांसद जी और मैं जगवीर सिंह बिला प्रमुख सारे अधिकारी, सिर्फ यही है कि जो केंद्र द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं स्टेट द्वारा, इन दोनों के बारे में वास्तविकता जानने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जो योजना है जो गरीब तक पहुँच रही है, जैसे कि आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना और जो पेंशन है अटल पेंशन और इस स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालयों का कार्यक्रम क्या है, कितनी स्वीकृत हुई है, कि ये कागजी काम चल रहा है कि वास्तविकता ज़मीन पर काम है, हमारे जो गरीब भाइयों को ये सुविधाएँ मिल रही हैं, तमाम जो कि फ्री में कनेक्शन की योजनाएँ, तमाम ऐसी हमारी जो स्टेट और केंद्र सरकार की योजनाएं, इसके बारे में आज यहां पर सभी लोगों को विकास खंड के सचिव के द्वारा और तमाम माध्यम के द्वारा से गांव के अंदर ढोड़ी पिटवाई और यहां पर तमाम गरीब लोग एकत्रित हुए। विकास के क्षेत्र में ये गांव ये एरिया बहुत पीछे है, लोग बहुत नाराज रहते हैं मंत्री जी से, इसका मेन कारण क्या है, विकास कब देख पाएंगे ये गांव के लोग? नहीं सुनिए, देखिए तब से नाराज थे कि केंद्र, अब खुश का कारण एक और है कि साल भर ये स्टेट में सरकार बने, तमाम गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं। आज मैं वायदा कर रहा हूँ कि करीब जिला पंचायत भी हमारे पास है, मैं ब्ला प्रमुख, मेरा छोटा भाई यहाँ से बिलापुर बना है, माननीय सांसद जी ने भी अपनी निधि से और शहर की निधि से भी काट करके विधानसभा एदमापुर को यहाँ पर पैसा आवंटन किया है। मैं जानता हूँ कि लगभग 140 से 150 गाँव में लगभग RCC कार्य 2 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाएंगे, ये मैं निश्चित तौर पर वायदा करता हूँ और दोबारा भी आप पेश करूंगा कि काम हुआ नहीं हुआ आप पूछेंगे। और मैं वास्तव में कह रहा हूं कि 140 से 150 कार्य
प्रत्येक गांव में आरसीसी वगैरह होगी। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद आगे कार्यक्रम क्या रहेगा सुबह तक? सुबह का कार्यक्रम ये है कि सुबह 7 से 8 जो स्वच्छ अभियान के तहत पूरे आहरण गांव के अंदर झाड़ू का अभियान रहेगा। हम लोग 7 से 8 यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे और पूरे गांव में एक टीम बनाई है, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रवृत्व तो लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को रात को अभी यहाँ पर बुलाया गया है 9 से 10 बजे तक उनके साथ बैठक की जाएगी। बैठक में सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का ही ये आयोजन स्वच्छ भारत के तहत पूरे गांव के अंदर झाड़ू का कार्य किया जाएगा। की शिकायत है कि ऐसा लग रहा है कि वोटिंग नज़दीक आने से आप लोग गांव में जाकर के रुकना, गांव में प्रवास करना, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहां पर कैंप लगाया है और जो रात्रि प्रवास है केंद्र के द्वारा ये आयोजित कैंप है, जो साल भर हमारी सरकार हुई, 1 वर्ष पूर्ण होने पर ये आयोजन कार्यक्रम रखे गए कि जिससे कि 1 वर्ष के अंदर हमारे क्षेत्र में, हमारे गांवों में, क्योंकि ये आहरण बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है गांव में हमारा, तो ऐसे ही गांवों में हम रात्रि प्रवास कर रहे हैं, काम भी देख रहे हैं, ये लोगों को सुविधा मिली है या नहीं मिली है। जन सुनवाई के बाद पूरे गांव से एकत्रित किए गए भोजन से सभी अधिकारियों के साथ सांसद ने तथा उनके प्रतिनिधियों ने रात्रि भोज किया। भोज के बाद रात्रि 11 बजे सांसद अपने प्रतिनिधि तथा भाजपाइयों के साथ स्कूल में लगाए गए तंबू में तथा अधिकारी स्कूल के कमरों में रात्रि प्रवास किया। एतमादपुर के क्षेत्र के ये राजनीतिक हलचल यहीं नहीं रुकी। सुबह उठते ही 7 बजे ही स्वच्छता मिशन की शुरुआत हो गई, जिसमें कटारिया के साथ साथ सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू ताम ली, वो गांव की सफाई शुरू कर दी। सांसद कटारिया के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख जगबीर सिंह तोमर, सांसद प्रतिनिधि टीकम सिंह तोमर, उप जिला अधिकारी एतमादपुर रजनीश मिश्रा, तहसीलदार प्रेमपाल सिंह, क्षेत्र अधिकारी अतुल कुमार सोनकर तथा थानाध्यक्ष बहरन अजय सिंह तथा भाजपा नेता हुकुम सिंह चाहर ने झाड़ू संभाल ली। सांसद का साथ निभाया। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।